Hello students, yes, welcome back to your class. Today I am here with your next chapter, that is chapter number 7 from your English book, and the name of the chapter is The Brave Heart. The Brave Heart मतलब एक बहुत ही बहादुर दिल वाली, मतलब बहुत ही बहादुरी वाली कोई इंसान है, उसके बारे में कोई ये स्टोरी है. ठीक है, येस, इट्स अ स्टोरी फॉर ऑफ अ गर्ल हुज नेम इज़ श्रुति. एक लड़की है श्रुति, जिसका हुज एज इज़ 25. ठीक है, हु मेट एन एक्सीडेंट इन अ होटल ऑफ बेंगलुरु. मतलब जो एक ये स्टोरी क्या है, एक लड़की की है जिसका नाम श्रुति है, जिसकी एज 25 है. शी मेट एन एक्सीडेंट, मतलब एक किसी एक्सीडेंट में, मतलब उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है बेंगलुरु के किसी हॉस्पिटल में. आफ्टर दैट शी गोट पैरालाइज, उसके बाद क्या हो जाते हैं उनकी बॉडी में, अपने हिप्स के नीचे नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है. ठीक है, बट जो लड़की है वो हार नहीं मानती है. ठीक है, वो ट्राई कर, मतलब वो अपने आप को मोटिवेट करती है. इवन जो उनके रिलेटिव्स हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जितने भी नियर वंस, डियर वंस और उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसको मोटिवेट करते हैं. कभी भी उसके सामने रोते नहीं है कि हाँ तुम्हारी, मतलब ऐसा एक इंसान जो 25 इयर्स तक ही इज़ नॉर्मल, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, एंड आफ्टर दैट ही और शी मेट एन एक्सीडेंट और ही और शी गेट पैरालाइज्ड. मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे आप क्या हैं, एकदम नॉर्मल हैं, कभी कोई एक्सीडेंट, अगर मतलब वैसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कि उसका कोई हाथ कट हो जाए या पाँव कट हो जाए या कोई ऐसा बॉडी पार्ट हो जिस जो क्या हो जाए, किसी वजह से क्या हो जाए, आप लूज़ कर दें या खो दें किसी बॉडी पार्ट को, तो हाउ डू यू फील. लेकिन ये जो लड़की हैं श्रुति, वो अपना हौसला नहीं खोती हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोती हैं, अपना शी डिडंट लूज हर करेज. ओके, ना ही वो अपना कॉन्फिडेंस खोती हैं. इवन जो उनके सब जो उनके नियर वंस और डियर वंस हैं, वो भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं. आफ्टर 1.5 ईयर और 2 ईयर शी अगेन जॉइंड हर कंपनी. वो फिर से एक, मतलब किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही होती हैं, फिर से वहाँ जॉब करना शुरू करती हैं और इतना अच्छा अर्न करती हैं. मीनवाइल, मतलब इस ये सब एक्सीडेंट के दौरान, ये जो एक्सीडेंट होता है वो कहाँ होता है, जिस होटल में होता है वहाँ शी वॉज हैविंग अ पार्टी फॉर हर एंगेजमेंट. मतलब वो जो उनकी कोई रिसेंट, मतलब अभी अभी कोई एंगेज, कोई नहीं, मतलब अभी अभी उनकी एंगेजमेंट हुई होती है, तो उसके लिए वो वहाँ पे जो अपने फियांसे हैं उनके साथ पार्टी कर रही होती हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती हैं, उधर वो एक्सीडेंट होता है. ठीक है, आफ्टर दैट हिज फियांसे वाज, सॉरी, हिज फियांसे कैन ब्रेक दैट एंगेजमेंट और ब्रोक दैट अरेंजमेंट, सॉरी एंगेजमेंट, लेकिन ही डिडंट डू सो. लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो कहता है कि तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करूँगा. लेकिन एक साल के बाद जो लड़की है वो फोर्स करती है कि नहीं, तुम मतलब ये रिश्ता तोड़ दो, अब ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी. उसके बाद जो लड़की है वो कैसे फाइट अप करती है अपनी इस बीमारी से, मतलब अपनी इस हेल्थ इशू से, और कैसे वो फिर से एक अच्छी लाइफ जीती है, सब चीज़ें वो कैसे करती है, वी विल कम टू नो इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग इट. इट वॉज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट नाइट, सॉरी, फर्स्ट वी विल रीड दैट येलो पार्ट. Even after losing everything, some people are brave enough to start over. कहते हैं कि even after, कहते हैं कि सब कुछ खो देने के बाद भी कुछ इंसान, some people are brave enough to start over. कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो इतने बहादुर होते हैं या फिर इतने ब्रेव होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग माइंड से के इंसान होते हैं जो क्या करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं. ठीक है, श्रुति लांबा इज़ वन सच वुमेन. जो मैंने बताया था कि श्रुति हैं, श्रुति लांबा भी उन इंसानों में से, उन पर्सन्स में से एक हैं, एक ऐसी वूमेन हैं. रीड द एक्सेप्शनल स्टोरी ऑफ दिस ब्रेव हर्ट इन द, वेट फॉर, इस लेट मी जस्ट सेटल दिस. यस,
रीड द एक्सेप्शनल स्टोरी ऑफ दिस ब्रेव हर्ट इन द गिवन आर्टिकल, जो आप कह रहे हैं कि ये स्टोरी आपको, ये जो आर्टिकल आपको दिया गया है, आप इसमें इस ब्रेव लड़की की स्टोरी को आप पढ़िए। हु स्टूड ऑन हर ओन फिट व्हेन लाइफ ब्रॉट हर डाउन इन ऑल द टर्म्स, कहते हैं कि कैसे वो लड़की क्या है खुद अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है जब जिंदगी क्या है मतलब उनको नीचे गिरा देती है, मतलब उनको एक ऐसे सिचुएशन में ला के खड़ी कर देती है कि जहाँ वो बिल्कुल मतलब कुछ करने लायक नहीं बचती है, लेकिन फिर भी वो क्या है, शी स्टूड अप, मतलब वो मतलब ऐसे खुद के लिए खड़ी होती हैं। खड़ा होना मीन्स सिर्फ ऐसे स्टैंड होना नहीं, एक अच्छी लाइफ जीना, एक अच्छे पोजीशन पे आ जाना, दैट इज़ ऑल्सो स्टूड अप। यस, इट वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट नाइटमेयर्स आर मेड ऑफ, कहते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे जो क्या सपने होते हैं वो एकदम नाइटमेयर्स का आपको दिया है, फ्राइटनिंग और अनप्लेजेंट ड्रीम्स, कि कई बार क्या होते हैं कि कुछ ऐसी हादसे होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और आप मतलब उन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं होते हैं। 25 years old श्रुति लांबा फेल डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एट अ पॉपुलर रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु, कहते हैं कि एक लड़की जो श्रुति लांबा है वो क्या है, कोई एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है बेंगलुरु में, उन्होंने नाम नहीं दिया इस होटल का, कि वो क्या है किसी एक होटल की स्टेयर्स क्या होती हैं सीढ़ियाँ, उन सीढ़ियों से क्या है नीचे गिर जाती हैं एंड वॉज लेफ्ट पैरालाइज, और फिर क्या हो जाती हैं पैरालाइज में क्या होता है कि आपकी बॉडी के जिस पार्ट में पैरालिसिस होता है वो पार्ट क्या करता है, मूवमेंट करना बंद कर देता है, ठीक है। वेस्ट डाउनवर्ड्स, वेस्ट मतलब इधर कमर से नीचे का पूरा जो पार्ट है वो क्या है, वो काम करना मतलब बंद कर दिया था उसका। हेयर शी टेल्स द स्टोरी ऑफ दैट टेरिबल नाइट एंड हाउ इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स हर लाइफ चेंज फॉर एवर, कहते हैं कि यहाँ अब जो श्रुति हैं वो खुद अपनी स्टोरी बता रही हैं कि कैसे उस भयानक रात में वो हादसा हुआ था और कैसे कुछ मिनटों में क्या है उसकी लाइफ क्या है पूरी तरह से चेंज हो गई थी। अ ब्राइट एंड हैप्पी स्माइल लाइट्स अप श्रुतिज फेस एज वी वॉक इन टू हर रूम, अब कुछ लोग हैं ये शायद कुछ न्यूज़ चैनल से या फिर रिपोर्टर वगैरह हैं जो उनके पास आए हैं ये लिखने के लिए, या फिर ये कुछ राइटर्स वगैरह कुछ भी हो, कोई भी हो सकते हैं, कोई आर्टिकल लिखने आए तो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ठीक है। कि अ ब्राइट एंड हैप्पी स्माइल लाइट, सब कहते हैं कि जैसे ही हमने उन श्रुति के रूम में एंटर किया तो एक बहुत ही अच्छी वाली स्माइल, मतलब बहुत ही चमक थी उनकी स्माइल में, तो वो श्रुति के फेस पे स्माइल होती है जैसे ही हम उनके रूम में एंटर करते हैं। द ओनली इंडिकेशन दैट देयर वॉज एनीथिंग रॉन्ग इज़ द ग्रे व्हील चेयर बाय हर बेड साइड, कहते हैं कि वहाँ पे बस एक ही चीज़ जो थी वो गलत दिख रही थी, वो क्या थी कि उनके बेड साइड पे जो ग्रे कलर की व्हील चेयर आपने देखा होगा ना कि जो लोग चल नहीं सकते तो उनको ऐसे वो एक चेयर सी दी जाती, वो उसके व्हील से खुद को ऐसे चलाते हैं, कहते हैं कि बस वो एक चीज़ ही की था, एक ही चीज़ थी जो दैट वॉज लुकिंग बैड देयर, ठीक है, उस रूम में जो सबसे गंदी चीज़ जो लग रही थी वो वही थी। ऑन 10th October 2008 शी हैड गॉन टू अ रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु टू सेलिब्रेट हर रिसेंट एंगेजमेंट टू राहुल हर फ्रेंड सिंस कॉलेज, कहते हैं कि ये बात जो है 10 अक्टूबर 2008 की है जब क्या है वो और मतलब वो बेंगलोर के किसी एक रेस्टोरेंट में गई थी, क्यों, क्योंकि उनकी सगाई हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी विद हिज फ्रेंड, मतलब उनके फ्रेंड थे कॉलेज से राहुल नाम के कोई इंसान, उनसे उनकी क्या हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, मतलब राहुल जो थे उनके फ्रेंड थे सिंस कॉलेज, मतलब कॉलेज से वो उनके फ्रेंड थे और अब उनकी क्या थी, एंगेजमेंट हुई थी। यस, वेट फॉर अ सेकेंड बेटा। अराउंड 11:30 PM शी गोट अ कॉल ऑन हर सेल फोन, कहते हैं कि लगभग 11:30 रात को 11:30 का टाइम था कि उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। सिंस द रेस्टोरेंट वॉज ऑन द सेकेंड फ्लोर, वो बताती हैं कि जो हमारा रेस्टोरेंट था वो सेकेंड फ्लोर पे था एंड द प्लेस वॉज पैक टू कैपेसिटी, जो जितने लोग उस रेस्टोरेंट में आ सकते थे, मतलब वो जो रेस्टोरेंट क्या था, फुल था। एंड पीपल वर स्टिल कमिंग इन, और लोग क्या हैं अभी भी अंदर आ रहे थे। आई मेड माई वे डाउन द स्टेयर्स सो दैट आई कुड टेक द कॉल, सेज श्रुति, अब श्रुति बता रही हैं कि मैंने सोचा कि चलो मैं नीचे जाके अपना जो कॉल है इसको अटेंड करती हूँ, भी मैं सीढ़ियों से नीचे जाके क्या है अपना ये कॉल अटेंड करती हूँ।
एज आई टर्न टू गो डाउन स्टेयर, कहते हैं कि मैं जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए मैंने टर्न किया, सम वन पुश्ड पास्ट मी विच थ्रू मी ऑफ बैलेंस, कहते हैं कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं क्या है उसकी वजह से क्या हो गई, ऑफ बैलेंस होता है कि आप अपना बैलेंस खो दें, आप क्या है अपने वे अपने तरीके से चले जा रहे हैं और अचानक से कोई आपको अगर धक्का दे तो क्या होगा, आप अपना बैलेंस खो देंगे ना। तो क्या ऐसे ही श्रुति के साथ होता है कि वो क्या है अपना बैलेंस खो देती हैं। आई ट्राइड टू होल्ड ऑन द रेलिंग, ऑन टू द रेलिंग्स, कहते हैं कि मैं रेलिंग्स को पकड़ना चाहती थी बट देर वॉज नन, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था या फिर उनके हाथ नहीं लगा। श्रुति फेल हेड लॉन्ग डाउन द स्टेयर्स एंड लैंडेड फ्लैट ऑन हर बैक, कहते हैं कि वो ऐसे सिर के ऐसे हेड लॉन्ग मतलब ऐसे सिर के बल गई थी, लेकिन सीधा उनका क्या है फर्श पर जाकर उनका बैक लगा, सीधा बैक का मतलब होता है कमर उनकी जो थी वो सीधी मतलब जाकर सीधी फर्श पर लैंड हुई, उनकी सीधी कमर जो जाकर फर्श पर लगी। शी लॉस्ट ऑल सेंसेशन बिलो हर वेस्ट, अब कहते हैं कि उन्होंने तभी की तभी क्या है जितनी सेंसेशन का होता है कि बॉडी मूवमेंट लाइक कि अब मैं ऐसे फिंगर कर रही हूँ ऐसे मेरी मुझे पता है कि फिंगर मेरी आँख में जा रही है तो मैं आँख बंद करूँगी ना, या फिर मैं आपको ऐसे पिंच करूँ तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में कुछ सेंसेशन होती है, आपको पता चलता है कि है समवन है बाइट यू, या मतलब आपको कोई चींटी काटती है या फिर आपको कोई मॉस्किटो काटता है मच्छर काटता है आपको आपको पता चल जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन, कि आपकी बॉडी में मूवमेंट होना ही बंद हो जाए। तो वो क्या बोलती हैं कि जैसे ही वो गिरी बिलो हर वेस्ट, उनके वेस्ट के जो नीचे का पार्ट था वहाँ सारी सेंसेशन क्या हो गई एकदम से बंद हो गई। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, कहते हैं कि मैं मतलब मेरे हालात कहते मैं एकदम शॉक में चली, मतलब मैं एकदम हैरान रह गई या एकदम कहते ना शॉक लग जाता है क्या हो गया ये, एंड कुडंट मूव माई लेग्स, और मैं अपने जो पांव थे क्या हैं वो हिला ही नहीं पा रही थी। आई रिमेंबर बीइंग पिक्ड अप एंड कैरी टू द लॉन्च, मुझे ये ध्यान है कि किसी ने मुझे उठाया और मुझे कहाँ कैरी का मतलब तो लेकर जाना, मुझे किसी लॉन्च में लेके गए। माई फ्रेंड्स वर कोल्ड, और मेरे जो दोस्त थे ऊपर उनको बुलाया गया। यस आई वॉज वेट फॉर अ सेकेंड आई वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, कहते हैं कि फ्रॉम अ कट इन माई हेड, कहते हैं कि बुरी तरह प्रोफ्यूजली होता है कि बुरी तरह से खून बहना, कि मेरे जो सिर में जो कट लगा था वो उससे खून क्या है बहुत ही बुरी तरह से बह रहा था। द इम्पैक्ट डैमेज श्रुति स्पाइन एंड कोज अ सीवर हेड इंजरी, कहते हैं कि उसका क्या जो ब्लड इतना निकला उससे क्या हुआ कि जो श्रुति की स्पाइन थी उस पर भी असर पड़ा और उनको एक हेड इंजरी हो गई। द एम्बुलेंस विच केम 45 मिनट्स लेटर टुक हर टू द हॉस्पिटल वेयर शी वॉज इमिडिएटली टेकन टू द ICU, कहते हैं कि जो एम्बुलेंस थी, अब एम्बुलेंस को किसी ने फ़ोन किया तो वो जो एम्बुलेंस थी वो 45 मिनट्स लेट आई, और वो जैसे ही आई वो श्रुति को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं जहाँ पर उनको तुरंत ही क्या है आईसीयू में क्या कर दिया जाता है, उनको एडमिट कर दिया जाता है। एंड MRI स्कैन रिवील्ड फ्रैक्चर्स इन द स्पाइन विद कॉर्ड कंप्रेशन, कहते हैं कि जब उनका MRI किया गया तो MRI में क्या आया कि उनका जो स्पाइन है उसमें क्या है कुछ फ्रैक्चर्स हैं, और जो कॉर्ड कंप्रेशन होता है ऐसे पिचक जाना, ठीक है ऐसे कुछ उनकी जो कॉर्ड थी वो ऐसे पिचक गई थी। आई हैड टू गो इन फॉर सर्जरी द नेक्स्ट डे टू रिपेयर माई डैमेज स्पाइनल कॉर्ड, कहते हैं कि अगले दिन मुझे एक अगले दिन मेरी सर्जरी होनी थी किसके लिए, ताकि जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड जो डैमेज मतलब कंप्रेस हो गई थी उसको क्या कर किया जा सके उसको रिपेयर किया जा सके, और जो फ्रैक्चर्स हुए थे उनको उनकी रिपेयरिंग के लिए क्या थी मेरी सर्जरी थी। द सर्जरी स्टार्टेड एट 1 PM, जो सर्जरी थी वो दिन में 1 PM शुरू हुई थी, एंड आई केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एट 8 PM। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी जो सर्जरी स्टार्ट हुई थी वो दिन में 1 PM शुरू हुई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर से रात को 8 PM बाहर आई थी। सो लॉन्ग, हाँ मतलब 1 PM वो गई हैं 8 PM आई हैं, तो 7 hours के लिए जो उनका सर्जरी था वो चला था। सोचकर देखो कि कितना ज़्यादा इंजरी हुआ होगा, कितना ज़्यादा उनको दिक्कत हुआ होगा ना उस एक्सीडेंट से। यस
आफ्टर द इनिशियल कंसर्न सैडली द रेस्टोरेंट ओनर डिस्टेंट देमसेल्फ। कहते हैं कि ये सब बातें होने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत सहानुभूति दिखाई, फिर जो रेस्टोरेंट के ओनर थे वो क्या है, उन्होंने वहाँ से उस हॉस्पिटल से भी दूरी बना ली। आई स्पेंड 15 डेज इन द हॉस्पिटल आफ्टर द सर्जरी। कहते हैं कि सर्जरी के बाद भी मुझे क्या है 15 डेज तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। आई वॉज अवेयर दैट माई स्पाइन वॉज सीवियरली डैमेज बट आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वॉज गोइंग टू फाइट इट आउट। कहते हैं कि मुझे पता था कि जो मेरी जो स्पाइन है वो बुरी तरह से क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं इससे क्या है फाइट आउट करूँगी, मैं इससे इस जो मेरे को इंजरी हुई है उनसे फ़ाइट आउट करूँगी, मैं उनसे ठीक होकर दिखाऊँगी। एवरी वन वॉज एक्सट्रीमली एनकरेजिंग एंड पॉजिटिव। कहते हैं कि हर कोई क्या था बहुत ही एनकरेज कर रहा था, बहुत ही पॉजिटिव वे में। कहते हैं ना कि कोई कोई इंसान होता है कि जिसे मिलकर आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती हैं या फिर वो आपको एनकरेज ही करता है। कहते हैं कि सबसे मिलकर मुझे क्या था, सब क्या थे, मुझे बहुत ही मोटिवेट कर रहे थे। येट द एक्सीडेंट चेंज श्रुतिज लाइफ कम्प्लीटली। हालांकि जो एक्सीडेंट हुआ था उसने क्या थी श्रुति की लाइफ टोटली चेंज कर दी थी, कम्प्लीटली चेंज कर दी थी, लेकिन फिर भी सब क्या है उनको एनकरेज कर रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे। यस, इन स्पाइट ऑफ द चैलेंज। अब पहले की लाइन में आपको बताती हूँ कि क्या अगर आपका जैसे कोई मतलब किसी का भी एक्सीडेंट हुए, हम लोग अपना या किसी का एग्जांपल ले लें, किसी एक कोई भी इंसान जैसे श्रुति का ही एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, अब क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो आए, उनके रिलेटिव्स आए और उनके सामने कुछ कुछ गलत बोले, तो क्या होगा, शी विल डीमोटिवेटेड और एनकरेज नहीं होंगी बल्कि डिस्करेज हो जाएंगी, है ना, कि क्या कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या ऐसे क्यों, मतलब ये भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया। नहीं, आपको कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो तो ऐसे डीमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए, आपको एनकरेज करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही उनके सामने बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो जो उनको श्रुति से जो भी मिलने आया था, जो भी उनके आसपास थे, वो सब उनको बहुत ही ज़्यादा एनकरेज कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस श्रुति ट्राइज टू लीड एज नॉर्मल अ लाइफ एज शी कैन। कहते हैं कि इन सब चैलेंजेस के अलावा श्रुति जितनी नॉर्मल लाइफ जी सकती थी वो उतनी जीने की कोशिश कर रही थी। आई हैव अ कार दैट हैज़ बिन मॉडिफाइड। कहते हैं कि मेरे पास एक कार है जिसको मॉडिफाई कर दिया गया है एंड इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय हैंड। और उसको क्या है पूरी तरह से हाथ से कंट्रोल किया जाता है, शायद वो अपनी व्हीलचेयर की बात कर रही हैं कि मेरे पास एक कार है जिसको क्या है उसको मॉडिफाई कर दिया है और वो क्या है हाथ से वर्क करती है, कंट्रोल किससे होता है उस पर, हाथ से होता है। दैट मेक्स मी कम्प्लीटली मोबाइल, जिसने क्या है मुझे पूरी तरह से एक मोबाइल की तरह बना दिया था, शी सेज, वो श्रुति कह रही हैं। हाउ एवर श्रुति डज नीड समवन टू हेल्प हर डाउन एनी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। कहते हैं कि फिर भी क्या था, उनको स्टेयर से ऊपर नीचे जाना होता था तो फिर भी उनको क्या है किसी की हेल्प चाहिए होती थी, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। येस, एज फॉर हर एंगेजमेंट हर फियांसे रिफ्यूज टू ब्रेक ऑफ विद हर। कहते हैं कि जैसे कि वो जो पार्टी जो हो रही थी वो उनकी किसकी एंगेजमेंट की पार्टी हो रही थी, उनके ही फ्रेंड राहुल से, जो कॉलेज से उनके फ्रेंड थे। देखो उनकी राहुल की जगह कोई और इंसान होते तो वो तभी क्या करते, उस रिश्ते को तोड़ देते, लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया। राहुल सेड दैट I am ready to accept you the way you are. That I am ready. तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें वैसे ही रूप में मैं accept करने के लिए तैयार हूँ. And I hope together we will find a cure for you. और मुझे लगता है कि अगर हम साथ में होंगे तो हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा इलाज तुम्हारा ढूँढ लेंगे, he said. Okay. His parents too were very supportive and understanding. कि उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। सपोर्टिव होता है कि किसी भी चीज़ में साथ देने वाले एंड अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप कोई बात उनके सामने रख रहे हैं वो आपको अच्छे से समझें। तो जो क्या थे राहुल के पेरेंट्स थे वो भी बहुत सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग थे। दे डिड ब्रेकअप अ ईयर लेटर। कहते हैं कि लेकिन जैसे तैसे करके क्या है एक साल के बाद क्या हो जाता है उनका ब्रेकअप हो जाता है।
इट वॉज म्यूचुअल बट द इंसिस्टेंस वॉज मोर फ्रॉम माई साइड. वो कहती हैं कि हालांकि जो ये ब्रेकअप था म्यूचुअल हुआ था, म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों की सलाह से, राहुल और श्रुति दोनों की सलाह से क्या है जो वो ब्रेकअप है वो हुआ था, लेकिन जो मेन इंसिस्ट था, मेन जो फोर्स था वो श्रुति ने किया था कि तुम ये जो ब्रेकअप है वो कर दो, मतलब जो ये रिश्ता क्या है उसको तोड़ दो. ये आज की क्लास के लिए बस इतना ही. दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू फॉर द क्लास. हैव अ नाइस डे.